लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंकल, अभी तक सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही हुआ है और आप इतने दुखी हो गए? यहाँ तक क्या पीने लगे? एक नई स्क्रिप्ट आई है और देखिए ये केस ना लक्ष्मी जैसा बिल्कुल नहीं है। बताओ ना इन्हें। जी सर, मेरा नाम आदर्श है। क्वेश्चन न्यूज नाम का यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मैं क्राइम रिपोर्टर। जब मैं सारे न्यूज इकट्ठा कर रहा था तो पता चला विवेक के कुछ प्रोजेक्ट्स में 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका सामना किया और अब वो लापता है, बिल्कुल आपकी अंजू की तरह। अंकल, ये लाइन कैसी लगी? दमदार है ना? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक ही इंसान से जुड़े 9 लोग अगर लापता हो जाते हैं तो कुछ गड़बड़ है। इससे अंजी का केस मजबूत होगा। पूरे शहर में बहुत बवाल मचेगा। आप स्टेट, शहर, डिस्ट्रिक्ट ये सब लेके क्यों सोच रहे हो? मैडम की प्लानिंग पैन इंडिया bawal.com है। मतलब मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, पानीपुरी, तमिल, तेलुगु सब भाषा में हिट हो जाएगी हमारी मैडम। आदर्श सर, क्या उनकी फैमिली हमारा साथ देगी? यस सर, अब जो भी बोलेंगे वो सब करेंगे। जनहित में जारी है, सब कृपया लाइन के इस तरफ ही रहें। अगर किसी ने इस लाइन को पार किया तो उसके लिए हम किधर जा रहे हो? इधर 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 इस साइड से चलो। आप लोगों के साथ जो हुआ वो मैंने सुना, लेकिन जरा डिटेल में बताइए। आपकी शिकायतों का एक वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा मैं और स्पेशल बेंच से परमिशन लेके आपका केस लड़ूंगा मैं। आप लोगों की आवाज दबाने और आपके अपने को आप लोगों से छीन लेने वाले उस दरिंदे को कोर्ट में कम से कम फांसी की सजा दिला सकूं, ये प्राण लेता हूं मैं। ओ अच्छा, तो क्या फांसी की सजा देना इतना आसान हो गया है क्या प्रवीण? बिल्कुल नहीं सीनियर। मुंबई के 26/11 के अटैक में कसाब ने इतने सारे बेगुनाह लोगों को मारा था, फिर भी उसका मुकदमा 6 साल तक चला। आखिर में कई 100 करोड़ खर्च करने के बाद उसे फांसी दी गई। जब इन्हें विवेक के क्राइम के बारे में पता नहीं है तो उसे फांसी क्या दिलाएंगे? अरे वही तो, बेचारों को देखो, शेयर ऑटो करके यहाँ आए हैं। क्या कोर्ट से न्याय मिलेगा इनको? अबे न्याय मिलता किसको है, जजमेंट का इंतजार करने से अच्छा है विवेक साहब ने जो सूटकेस भर के पैसे भेजे ना वो रख लो और पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारो। कोई जरूरत नहीं। तुम क्यों फड़फड़ा रही हो? मैं बताता हूँ इनको, हमको देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, हमारे अंदर आग जल रही है और आज वही आग की तहक लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अरे ओ शिंदे, जल्दी से कैमरा चालू कर, हमारे अंदर जो ज्वालामुखी जल रहा है आज वो लावा बनकर बाहर निकलेगा। अरे इसकी तो टेक एकदम धासु देना कि देखकर पत्थर भी पिघल जाए। स्टार्ट कैमरा, साउंड, एक्शन। सर, मेरा नाम है जोगलू वेंकट राव, हम लोग महेश्वर मंडलम से हैं, सर्वे नंबर है 73। कमर्शियल, बचा लो मुझे भगवान, ईश्वर पैसों की बारिश कर रहा है, मुझे उठाना है, मुझे उठाना है, मुझे उठाना। ये तो मेहनत के पैसे नहीं है, ये सारा का सारा काला धन है। अगर काला धन होता तो इसकी तरह होता, ये तो आपकी तरह चमक रहा है। मोटे पैसे, आंखें बंद कर, खुद पे काबू कर, शिकायत दर्ज कर वरना कैमरे घुसा दूंगा अंदर। सॉरी भैया, मैं कहाँ पर था, 100 रूपए या 200 रूपए? अरे ये तो 500 के करारे नोट है। वेंकट राव, इन पैसों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। बताओ तुम्हारे भाई राम बाबू के साथ क्या हुआ? बताओ। उसे इस सब से क्या मतलब है, उसकी आत्मा इसके लिए तड़प रही है। इन्हें गलत साबित करके दिखाओ। हाँ, साबित करो वेंकट राव। वेंकट राव, ये बस माया है, ट्रैश है। ट्रैश नहीं, कैश है। नहीं वेंकट राव, आ जाओ और ये धन पा जाओ। 2000 के गुलाबी नोट। क्या हुआ, नोट देख के ईमान में खोट आ गई? खोट आ गई? इतने करारे नोट हाथ में हो तो घर को एक ठेका बना दूं, दारू का स्विमिंग पूल बनाकर उसमें हफ्ते भर में गोता लगाऊंगा। भाई के जाने के गम का क्या, रम से गम दूर होगा। अरे पापी, मतलब ही तू लायक नहीं है किसी का भाई कहलाने का, लानत है तेरे पे। चुपचाप यहाँ रख। सर, सीरियल की शूटिंग बहुत दिनों से बंद हो गई है सर, हम बेकार हो गए हैं, चड्डी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं पहनी। नहीं पहनी? देखो ये गरीब के खून पसीने की कमाई है, इसे छूने वाला कभी खुश नहीं रहेगा, मेरी बात समझ लो। कहाँ जा रहा है, गड्डी वापस कर, निकालो उसे बाहर, गड्डी वापस दे, वापस दे। देखो, देख लिया मैडम, मैं आपके साइड हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप गद्दार कमीने, तुझे छोड़ूंगा। दारू के लिए कितना दर है? ये चकना और बिरयानी के लिए। रात का प्रोग्राम फिक्स। रात का प्रोग्राम फिक्स। मुझे ऐसे मत देखिए मैडम, आपकी मुस्कुराहट जैसे खिलता कमल हो। गुलाबी नोटों को देखकर फिसल गया, मेकअप का खर्चा निकल जाएगा इससे। छी 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 छी, आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है वेंकट राव? एड़ा हो गया क्या, इस दिन के लिए माँ बाप ने पैदा किया था क्या? हम सब शेयर ऑटो करके आए थे, तू ऐसे क्यों कर रहा है?
सॉरी मैडम, मैं पार कर गया। कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। हाँ, गलती मैंने की है, नियम आप क्यों तोड़ोगे? आप इन सब से बात कर लो और फैसला ले लो। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। उतर, नीचे उतर। आपके लोग कई नोटों की गड्डी में तो छिपे नहीं है? सर, मेरे पति उसमें है कहीं। मेरे पति सोमराजू, हटो सोमराजू। अरे सोमराजू, कहाँ छुपे हो तुम? तुम 500 वाली नोट में छुपे हो या 2000 वाली में? अरे उनमें फंस के तुम्हारा दम तो नहीं घुट रहा है? मैं आती हूँ तुम्हें बचाने, मैं आ रही हूँ। क्या है ये? माता जी उस तरफ मत जाइए, लाइन पार मत कीजिए। ए चुप कर, हाथ हटा। पानी क्या कूदी गई? सर जी, एक आइडिया है। मैं कोर्ट में कंप्लेन दे देता हूँ, लेकिन पहले उनसे थोड़े पैसे ले लेता हूँ, फिर आप जिसके खिलाफ बोलेंगे गवाही दे दूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अबे ओ सुन, मैच फिक्सिंग में वो एकदम एक्सपर्ट है। क्या कहा, मेरा मजाक उड़ा रहे? मेरे आइडिया की लैंडिंग कैसी लगी? हाँ। इस उम्र में भी क्या लैंडिंग की है? ये लीजिए सर। किस तरफ जाऊँ? इस तरफ। पक्का कमर्शियल। तुम सब हो कौन? वेटर पालम बैच, क्रैक मूवी के खूंखार विलेन। वो ठीक है, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने अपने कमर्शियल चतुराई से मेरे सारे क्लाइंट्स हड़प लिए ना, इसलिए मैं भी कमर्शियल फिल्मों से इन खूंखार विलेन्स को साथ लाई हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। वाह, आप सब फिल्म के फाइटर्स हो, मैं आप सबके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? श्योर सर, सेल्फी के लिए आ जाओ। अबे ओ काले रसगुल्ले, उधर क्या कर रहा है? इधर आ, तू दिखाता हूँ। सुन मे मास्टर, इसके साथ सेल्फी लेने नहीं आया तू, इस कमर्शियल लॉयर की हड्डियाँ तोड़ने आया है। ठीक है मैडम। क्या आप सच में मुझे मारोगे? एक्शन! ये बिना मार खाए उड़ रहा है, वो क्या रहा है? घनघोर बेइज्जती हो रही है। टाइम प्लीज, आप सब लात घुसे खाए बिना ही क्यों गिर रहे हो? ला मुझे दे, इससे तो कट नहीं रहा है, धार नहीं लगाई क्या? ये बोतल दे मुझे, ये सारे के सारे डमी है सर, बस दिखते असली हैं। राजामौली सर, बोयापति सर, सब अपनी कमर्शियल फिल्मों में यही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अरे ओ काले रसगुल्ले, तुझे क्या ये करण जौहर दिख रहा है? ये क्या तुझे अपनी फिल्मों में काम देने वाला है? तुम सब के सब नल्ले हो, इससे बेहतर तो मैं हूँ। इसके साथ तो डांस करके इसे हरा के यहाँ से दफा कर देना चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है। ए कल्टीमार, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, सीन के बाद एक गाना तो बनता ही है। जब पक्का कमर्शियल टाइटल रखा है तो ऑडियंस को डुएट सॉन्ग से एक अलग ही किक मिलेगी। हेलो, तुम हो सकते हो ऑफ स्क्रीन पक्का कमर्शियल, लेकिन स्क्रीन पर मैं हूँ सुपर कमर्शियल। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। मेल करो। जैक्स, साउंड प्लीज। सर, सर। क्या रे, मुझे वहाँ स्टीम बाथ में जाने में दिक्कत हो रही है, तू दरवाजा बजाए जा रहा है। सर, जंग भी शाम को बंद कर दी जाती है, लेकिन आप तो सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी को टपकाने में ही लगे रहते हैं। अरे कहाँ चली तुम? जाओ जाओ जाओ, जल्दी अंदर जाओ। सर, वो वेट कर सकती है, अभी तो लाइन पर राजेंद्र है। कहाँ गई? हेलो सर, ये मरने वाला है, इससे बात कर लीजिए। ओ अंजी बाबू, आखिरी सफर पर निकलने को तैयार? ये मत सोचना कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा मेरे आसपास भटकेगी। मैं तो एक साधु हूँ, ऊपर वाले का दूत। जो भी न्याय की देवी मुझे ऑर्डर करती है मैं उसे पूरा करता हूँ। कल कोर्ट में देवी को यकीन हो गया कि तुम दुबई चले गए, पूरी दुनिया को भी मना लिया, तुम्हारी बीवी तक को। इसीलिए मैं अपने पैसे खर्च करके अपने लोगों के जरिए तुम्हें ऊपर भेज रहा हूँ, समझ गए ना? हर किसी को खुश रहने दो,
सिवाय तुम्हारे। आर यू रेडी? ये भरोसा रखकर कि मैं उनकी मदद करूंगा, लक्ष्मी ने अंजी का पता बताकर मुझे वहां ले गई। आखिर में अंजी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, और लक्ष्मी की हिम्मत जवाब देने लगी। ये सोचकर कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूं, मेरा मन कचोटता है। क्या तुम इस केस में मेरी कुछ मदद कर पाओगे? मैं जरूर करूंगा सर, ये बात सीनियर को पता ना चले। कल मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां आपका काम हो जाएगा। ये लोग तो अंजी की नकली बीवियां, तीन राजधानी, पक्का कमर्शियल औरतें। इन्हें मुंह मांगी कीमत दो और ये आपकी हर तरह से मदद कर देंगी, जैसे भी आप चाहो। देखो थोड़े पैसों की कमी है तो तुम ये गाड़ी की चाबी रख लो। बेटा तुम इतना कुछ? मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ सर। माना कि मैं अपने सीनियर का जूनियर हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई आपने ही करवाई। बेटा शुक्र है कि आज भी इस दुनिया में तुम जैसे सच्चे और ईमानदार लोग हैं। अब तुम देखना कैसे मैं उनके छक्के छुड़ाता हूं। हाँ। क्या हो गया खुले सांड? एसी में भी पसीना आ रहा है, बार बार कॉल क्यों कर रहा है? अरे भाड़ में जाए एसी, मैं तो अंदर से उबल रहा हूँ। चलो चलो मेरे साथ। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? फेफड़े में हवा भर और आराम से बता। तुम्हें याद है उस दिन मैं अमूल्या नाम की औरत को लाया था? हाँ, उस थर की बुड्ढे ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। कौन सा बुड्ढा? विवेक, और कौन? मुझे डाउट था ही, उस दिन उस ठरके की बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और थी। वैसे अमूल्या है कौन? मेरी सोलमेट। क्या? मेरी सोलमेट बोला ना, यकीन नहीं होता क्या? प्ले करके देखो। हेलो, हमें भी कुछ मिलेगा क्या? अभी लाती हूँ। जब आधी रात को मुझे उसके प्यार की मीठी खीर खाने मिली तो दिल ने कहा कि अभी मुझे यही खीर खानी है, और मैं उसके प्यार में पड़ गया। अगर वो तुम्हारी सोलमेट है तो वो क्यों? अब मैं क्या बोलूं, वो हमेशा यही करता है। जिस भैंसे को मैं नहलाता हूँ वो उसी भैंसे को जाकर दोबारा धोता है, जिस भैंसे पर मैं बैठता हूँ उसे उस पर ही बैठना होता है। और अब तो उसे उसी लड़की से शादी करनी है जिससे मैं प्यार करता हूँ। कुछ करो, वो थर की बुड्ढा, किसी भी तरह से उस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, समझे? क्योंकि वो तुम पर भरोसा करता है। अगर तुम उसे किसी केस में उलझा दोगे ना तो समझो अमूल्या मेरी। ठीक है मैं कुछ करता हूँ, पहले बताओ थर की कहाँ है? चलो इस तरफ। वो रहा थर की। मुझे लगा था ये प्रपोजल मुझे दिवाकर देगा। तुम क्वीन हो, तुम्हें मुझ जैसे एक राजा से प्यार होना चाहिए, ना कि नौकरों चाकरों से। तुम्हारी कीमत मुझे पता है। एक्सक्यूज मी सर। लकी आओ, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। बाहर चलकर बात करें? वन मिनट स्वीटहार्ट। सर मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। इस उम्र में आपको शादी क्यों करनी? अगर आपको इतना ही शौक है तो लड़कियों को पैसा देकर अपने फार्म हाउस में बुलाकर रंगरलियां क्यों नहीं मनाते? पता है मैं खुद भी यही प्रेफर करता हूँ, लेकिन हर औरत को पैसों का मोह नहीं होता, और वैसे भी उस जैसी अप्सरा को पाना कितना मुश्किल है। हाय बेबी। हाय। इसलिए मैं उसकी मर्जी के हिसाब से उससे शादी करूंगा और ऑफिशियली उसके साथ मजे लूंगा। जब तक मेरे अंदर दम है तब तक तो ठीक है, उसके बाद कह दूंगा कि कैरेक्टर की ढीली है, फिर तुम्हारी मदद से उससे डिवोर्स लेकर उसे दूर कर दूंगा। डिवोर्स? तुम्हें क्या लगा मैं उसके साथ जिंदगी निभाऊंगा? मुझे रोज एक जैसी हेयर स्टाइल रखना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं एक ही औरत के साथ अटका रहा तो मेरे बालों की कीमत क्या होगी? है? सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पहले टेस्ट कर लो वो औरत आपके लिए सही है या नहीं। अरे ये दिवाकर उसे यहाँ लाया था, जब ये बाजार से भैंस लेकर आता है तो हम उसकी क्वालिटी चेक नहीं करते। सर ये कोई गाय भैंस नहीं है, औरत है। 10 दिनों के अंदर उसने आपको बाटली में उतारा और आपने प्रपोज कर दिया। ये जेन्युइन है कि नहीं, इसके इरादे सही है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। यू आर माई वेल विशर एज यू विश। Mm-hmm.
सर अमू बेबी के सामने इज्जत का तबला तो मत बजाओ। अगर जरा भी बकवास की तो अंगूठी उल्टी करके तेरे सिर पे बजाने लगूंगा। आपके पति कैसे चल बसे? उसे तो मरना ही था क्योंकि ये मेरी है। क्या सर, अगर आप उसके सवालों का जवाब देंगे तो इंटरव्यू लेने का क्या मतलब है? एक्सीडेंट में। क्या मिस्टर दिवाकर आपके प्यार में मजनू बने फिरते हैं? मिस्टर विवेक ने पहले प्रपोज किया। मुझे क्या पता कि बॉस रेस में मेरे से बहुत आगे निकल जाएंगे। कहीं आप इनसे पैसों के लिए शादी तो नहीं कर रही है? प्रपोज इन्होंने मुझे किया, मैंने नहीं। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। आपने मुझे चुना है तो आपका सिलेक्शन कैसे गलत हो सकता है? यानी कि शादी पक्की? मंडप तुम सजाना। मैं नहीं कर सकता। रोना बंद करो और नए जोड़े की हनीमून की तैयारी करो। ये लो, वर वधु को आशीर्वाद दो। दो 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 आशीर्वाद दो। मैं क्यों दूं? ये मुझसे 2 साल बड़े हैं। ये दिखता जवान है लेकिन है त्रेता युग से। सुनो, तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देगा, तुम खुद को ही दे दो। हाँ क्या फर्क मेरे साथ बहुत गलत किया है, देख लूंगा तुझे। अमू रुको, तुम कहाँ उसकी बातों को दिल पर ले रही हो? तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या कर रहे हो? खुलेआम अपने अरमानों की नुमाइश क्यों कर रहे हो? सोए हुए अरमानों को कमरे में जाकर जगाओ। सही कहा, लेकिन मेरे सिस्टम को चार्ज होने में थोड़ा वक्त चाहिए। सर आपको बताने की, ओ तेरी, आपके बाल तो झड़ रहे हैं। मेरे बाल क्यों खींचे? बाल तो झड़ेंगे, अंदर से पूरा खोखला है वो। है सिर्फ शरीर बढ़ाता है, दिमाग नहीं बेवकूफ। अरे रहने दो, ये कहानी मेरी भैंसों को सुनाना मुझे नहीं। रुक जाओ, आपकी ताकत का अंदाजा है मुझे, इसलिए डॉक्टर मस्तान यादव से जड़ी बूटी लाया हूँ। एक डोज लेते ही अरे बिन ऊंट से अफ्रीकन घोड़ा बन जाओ। फिर तो वो जानवर आया वो समझ कर कमरे से भाग जाएगी। अगर और कुछ बोला ना तो तेरे टकले पे चढ़ के कबड्डी खेलूंगा। असली खेल खेलकर ट्रॉफी तो ले आ, फिर मुझसे बात करना तुम। सर सर सर, मैडम इंतजार करिए, आप जाइए, प्यार का शुभ मुहूर्त एंजॉय कीजिए। गो उजड़े चमन, मूड क्यों खराब है? तुम चुप रहो ना यार, मेरे घाव पे नमक मत छिड़को। खरबूजा चक्कू पे रखोगे तो घाव तो होगा ही। मदद मांग के गलती की, मुझे जाके पवित्र पानी से मुंह धोना पड़ेगा। एक बार ट्राई तो कर लो। अरे किसी का गुस्सा किसी पे क्यों उतार रहा है? सारी गलती तुम्हारी है। अमूल्या सामने वाले घर में रहती थी, ठरकी को जानता है फिर भी उसके पास लेकर गया। क्योंकि उसे नौकरी चाहिए थी। हाँ तो सोचा मैं उसे नौकरी दिला दूंगा, मेरी आंखों के सामने रहेगी, तो ठरकी को उसकी तस्वीर दिखा दी, लेकिन वो कमीना तो लट्टू हो गया। लगता है तेरा कनेक्शन ऊपर वाले से हो गया है। देख घोड़ा बिना घास खाए इधर ही आ रहा है। टेस्ट मैच खेलने गए थे, T20 खेल कर आ गए। अरे कैसे करता कुछ, तेरा बाप चैन से जीने दे तब ना। मेरे पापा यहाँ शादी में कब आए? शादी में नहीं, मेरे कमरे में आया। कमरे में? जैसे ही मैं अपना जलवा दिखाने वाला था, मीडिया ने मुझे हर जगह दिखा दिया। उसने अंजी का केस फिर से खोल दिया। तुम ठीक हो ना? अरे ओ विवेक, जरा देख इधर। अंजी के लापता होने वाले केस के सारे गवाह नकली थे। मिस्टर सुंदर राव के बेंच ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि वो इस केस के हर पहलू की जांच करे। सेशंस कोर्ट इस केस की सुनवाई जल्द शुरू करे, ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। डार्लिंग आओ ना। अरे कैसे आऊं, ये जो आ गया। मुझे लगा केस हारने के बाद वो चुप बैठेंगे, लेकिन वो तो हाथ धो के पीछे पड़े। देखो लकी, माना कि तुम्हारे पापा मुझसे पंगा ले रहे हैं, पर तुमने कहा तुम संभाल लोगे इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन अगर ऐसे ही मुझे वो आदमी परेशान करता रहा तो मैं तो सह भी लूंगा, पर मेरे फैंस नहीं सहेंगे। सर सर आप परेशान मत होइए, मैं मामले को तूल पकड़ने नहीं दूंगा। मैडम अंदर है, आप जाकर एंजॉय करिए। अरे काहे का एंजॉयमेंट भला, तुमने जो 6 जड़ी बूटियां दी थी मैंने सब खा ली, फिर भी चाय में डूबे बिस्किट जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। लग गई। मतलब हवा निकल गई। चुप कर टकले, कुछ नहीं हुआ, जरा भी सेंसेशन नहीं, कोई जोर नहीं बचा। अगर 10-10 बड़ी वाली क्रेन्स भी लगा दो तब भी बिल्डिंग खड़ी होने की कोई उम्मीद नहीं। खुशी देखो टकले के चेहरे पर। ऑर्डर 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 ऑर्डर।